हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। तो अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोग विंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पवन। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो विंड्स हैं उनको मुख्य रूप से तीन कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। ठीक है, आपकी पहली हो गई प्रचलित पवन, दूसरी हो गई आपकी मौसमी पवन और तीसरी है स्थानीय पवन। ठीक, तो प्रचलित पवन जो होती है आपकी, जिसको प्रिवेलिंग विंड्स बोलते हैं, और ये ऐसी पवनें होती हैं जिनकी जो दिशा है वो साल भर सेम रहती है, समय के साथ बदलती नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी हो गई ट्रेड विंड्स, है ना, व्यापारिक पवने, या पछुआ पवने, या ध्रुवीय पवने, ये साल भर एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे आज मौसमी पवनों के बारे में, जो सेकेंड कैटेगरी थी, सीजनल विंड्स या मौसमी पवने। तो ये ऐसी पवने होती हैं जिनकी दिशाएं दिन रात या मौसम के अनुसार बदलती जाती है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मौसमी पवने हैं इनको फिर से तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला स्थल एवं समुद्री पवन, दूसरा पर्वत एवं घाटी पवन, और मानसूनी पवने। ठीक, और इसके बाद हमने पिछले लेक्चर में स्थल और समुद्री पवन के बारे में बताया था, और यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक, तो अब हम उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे, और आज हम लोग सेकेंड टाइप है जो सीजनल विंड्स का, पर्वत एवं घाटी पवन, इसके बारे में जानेंगे कि ये पवन क्या होती है, कैसी होती है। ठीक, तो आप समझ ही गए होंगे, पर्वत और घाटी पवन मतलब पर्वत और घाटी में ये पवने बहा करती होंगी, है ना। तो ये तो बेसिक सा है, एक अंदाजे वाला, अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग बात करेंगे घाटी समीर की। देखो, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि हवाएं चलती कैसे हैं, क्यों चलती है ये पवन। ठीक, तो सीधा कॉन्सेप्ट है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है। ठीक है, ये नेचुरल फिनोमिनन है। जैसे आपकी जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर चलती है। जैसे आप मान लीजिए एक लोहे की रॉड लेते हैं और उसको एक सिरे पे आप आग में झोंक दीजिए, तो जिस सिरे को आपने पकड़ रखा होगा वो भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट अपने आप, उसका ये नेचुरल फ्लो है ना, तो प्राकृतिक प्रवाह है ये। तो वही चीज हवा में होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा अपने आप चलने लग जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि घाटी समीर में हवा कैसे चलती है ना। तो क्या होता है, जब दिन होता है ना, दिन के समय यहाँ पर, मतलब जो पर्वत की चोटी है, जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर तापमान होता है अधिक, टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, जो ऊंची चोटी होती है पर्वत की, जबकि घाटी में टेम्परेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि ऊपरी हिस्सा होता है, यहाँ पर सौर विकिरण भी अधिक प्राप्त हो रहा होता है घाटी की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने से क्या होता है, मैंने बताया, जहां भी तापमान अधिक होगा वहां पर जो वायु दाब होगा वो कम हो जाएगा। ठीक, तो यार होता क्या है, दिन के समय पर्वत का तापमान ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सौर विकिरण अधिक प्राप्त होता है ना। तो इसलिए जो पर्वत की जो चोटी है या ऊपरी हिस्सा है, वहां पर निम्न वायु दाब बन जाता है, जबकि घाटी का टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक है, सॉरी, घाटी का में ठंडक होती है ना, तो टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उच्च वायु दाब की कंडीशन होगी यहाँ पर। तो घाटी में उच्च वायु दाब का निर्माण होता है, इसलिए जो हवा है, पवन है, उसका प्रसार घाटी से पर्वत की तरफ होता है, मतलब हाई प्रेशर कंडीशन से लो प्रेशर कंडीशन की तरफ हो जाता है। नेचुरल प्रवाह है ये, प्राकृतिक प्रवाह। तो इस कारण इसे घाटी समीर कहते हैं, मतलब ये जो हवा है ये घाटी से उठती हुई जाती है पर्वत की चोटी की ओर, जो कि घाटी से आ रही होती है, तो इसको घाटी समीर कहा जाता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। दिन का समय है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक, मतलब जो तापमान है वो बढ़ा हुआ है, तो जो वायु दाब है वो होगा क्या, कम होगा। ठीक है, उच्च वायु दाब कहाँ पर होगा, घाटी के अंदर, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम है। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवा का प्रवाह हो जाएगा, घाटी से हवा आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए इसको घाटी समीर कहा जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे पर्वत समीर की। पर्वत समीर क्या है, रात में, अब देखो दिन में घाटी समीर, रात में उसका उल्टा हो जाएगा। रात में जो पर्वत है वहां से पार्थिव विकिरण बहुत तेजी से होता है, जो पर्वत का ऊपरी हिस्सा है, यहां से बहुत तेजी से पार्थिव विकिरण होता है, तो इस वजह से ये बहुत ठंडा हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, जबकि जो घाटी वाला हिस्सा है, यहाँ पे सौर विकिरण स्लो होता है। ठीक है,
तो इसलिए अब क्या होगा, अब कंडीशन उल्टी हो जाएगी, ये हिस्सा मतलब जो घाटी है वो गर्म हो जाएगी, जबकि जो पर्वत की चोटी है वो रात में ठंडी हो जाएगी। तो जहां ठंडक ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर अधिक होगा, तो यहां पर हाई प्रेशर कंडीशन हो जाएगी और अब घाटी में लो प्रेशर की कंडीशन हो जाएगी। तो अब सीधी सी बात है, जहां पर लो प्रेशर होगा हवा उसी की ओर चलेगी हाई प्रेशर से, ठीक है। तो इसलिए पर्वत घाटी के अपेक्षा अगर ज्यादा ठंडा होता है, इस कारण पवन का प्रवाह पर्वत से घाटी की तरफ होता है और जहां से हवा चलती है उसी को उसी का जगह से उसका नाम हो जाता है। अब यह हवा पर्वत से घाटी की ओर आ रही है तो इसको पर्वत समीर कहते हैं। ये देखिए है ना, चूंकि यहां पर ठंड हो गई है पर्वत की चोटी पर, तो यहां पर हाई प्रेशर की कंडीशन है, जबकि जो घाटी है वहां पर निम्न वायुदाब की कंडीशन है, तो हवा जो है ऊपर से नीचे आने लग जाती है, ठीक। और इसे ही बोलते हैं पर्वत समीर, ठीक है, ओके, ठीक है। अब जो तीसरी कैटेगरी थी वो है मानसूनी पवने, जो आपकी सामयिक पवन है, सीजनल विंड्स है। इनको तीन भागों में विभाजित किया था हमने, स्थल और समुद्र वाली, है ना, ठीक। इसके बाद घाटी और पर्वत वाली, तीसरी है मानसूनी पवने। ये भी सीजनल विंड्स है ना, ये हमेशा नहीं चलती, जब इनका समय आता है, जब सीजन आता है, तभी ये मानसूनी पवने चलती हैं। कहाँ चलती हैं? हमारे उपमहाद्वीप में, है ना। बोलते हैं ना मानसून आ गया मानसून आ गया, तो वो क्या होता है मानसून? ये मानसूनी पवने होती हैं, है ना, जो अपने अंदर बहुत सारी ह्यूमिडिटी लेकर आती हैं, बहुत सारा पानी लेकर आती हैं, ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश करती हैं। तो ये होती है मानसूनी पवने, ये भी सीजनल विंड्स हैं। तो इनका प्रवाह भारतीय उपमहाद्वीप में होता है। गर्मी के मौसम में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों का प्रवाह होता है और शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों का प्रवाह होता है, ठीक। जब गर्मी होती है तब जो आपका अरेबियन सी है, अरब सागर है, यहां से ये पवने आती हैं और बहुत सारा मॉइस्चर अपने अंदर लेकर आती हैं और वेस्टर्न घाट पे आके खूब सारी बारिश करती हैं, ठीक है। तो इस वाले जो मानसून को बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। इसका शीत ऋतु में मानसून लौटता है, तो जब ये हवाओं की दिशा शीत ऋतु में ऐसी हो जाती है, ठीक है, ऐसे घूमती है, ठीक है। ये मैंने सब मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया है ना, आपने पढ़ा होगा इसको। तो जब ये जो लौटता हुआ मानसून है, ये जो हवाएं हैं जब ये बंगाल की खाड़ी से गुजरती है, तो फिर यहाँ से मॉइस्चर को उठा लेती हैं और फिर आके तमिलनाडु में बारिश करती हैं बहुत सारी। तो ये शीत ऋतु में होती है। तो शीत ऋतु में जो मानसूनी पवन है उनको उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने बोलते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट से ये पवने आ रही होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून है जो, ये शीत ऋतु का मानसून है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो पवने हैं ये ग्रीष्म ऋतु में होती हैं, ठीक। अब देखिए ब्यूफोर्ट स्केल है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूफोर्ट स्केल। इस स्केल का उपयोग वायु की गति अथवा वेग के मापन एवं आलेखन में किया जाता है, ठीक है। जो वायु की गति वगैरह होती है उसको किस स्केल पे मापते हैं? ब्यूफोर्ट स्केल पे, ठीक है। तो इस स्केल का आविष्कार किसने किया था? फ्रांसिस ब्यूफोर्ट, तो इन्हीं के नाम पे इस स्केल का नाम रखा गया है, और 1805 में इन्होंने इस स्केल का आविष्कार किया था। तो याद रखिए, आप तो ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप बैठियों में कि ब्यूफोर्ट स्केल क्या है, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, तो उनमें ये वायु की गति वाला भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्थानीय पवने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। पवनों के नाम दिए रहेंगे और ये पूछा जाएगा कहाँ बहती है, कैसी है, ये गर्म है या ठंडी है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो चिनूक, ये जो पवन है इसका नाम है चिनूक, ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर बहती है, गर्म एवं शुष्क है। तो एक तरीके से ये कौन सी है, जो मैंने आपको बताया था ना, जो पर्वत समीर बताई थी आपको, तो ये वही है, ठीक है। ये रॉकी माउंटेन जो होते हैं ना, तो अब जैसे प्रशांत महासागर से हवाएं आती हैं, तो ये खूब सारी इस रॉकी के जो उत्तरी तट है वहां पे वर्षा करती हैं। इसके बाद इनका जब मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तब ये हवाएं जो है पूर्वी तट से ऐसे नीचे आती हैं, ठीक है। तो इस जो विंड है, इस पवन को चिनूक कहा जाता है, ये गर्म है एवं शुष्क है, ठीक है। याद रखिएगा चिनूक कहां पर है? रॉकी पर्वत, ठीक है। इसका फाहन, फाहन जो है ये आल्प्स पर्वत पे पाई जाती है, आल्प्स पे ये जो
फाहन विंड है, ये उत्तरी ढाल के सहारे ये नीचे आती है और ये गर्म है एवं शुष्क है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में सुहाने मौसम एवं अंगूर की फसल के लिए बहुत उपयोगी है फाहन। ठीक है, कहाँ पर बहती है? यूरोप में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद सिरुकू, सिरुकू ये सहारा रेगिस्तान से उत्तरी दिशा में बहती है। ठीक है, आप मैप पे देखेंगे तो ये जो आपका अफ्रीका है ना, तो यहां पर आपका ये सहारा रेगिस्तान है, तो यहां से उत्तरी दिशा में ये बहती है और बह के कहां तक चली जाती है? यहां पे आपका इटली मिलेगा है ना, इधर आपका स्पेन मिलेगा, तो ये सिरुकू यहां से बह के इटली स्पेन तक जाती है। ठीक है, और ये जो है गर्म शुष्क एवं धूल भरी आंधी होती है। ठीक है, गर्म बिकॉज सहारा मरुस्थल गर्म रेगिस्तान है, तो यहां से उठती है तो निश्चित रूप से गर्म होती है। ठीक है, गर्म शुष्क और धूल भरी आंधी लेकर ये बहती है, कहां पर? इसे स्पेन इटली में सहारा रेगिस्तान से उठती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सिरुकू। और इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जो कि और भी जो कंट्रीज है वहां पे अफ्रीका में, तो वहां पर भी ये बहके जाती है। तो मिस्र में इसको खमसिन बोलते हैं, आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है खमसिन कहां बहती है। ठीक है, लीबिया में इसको गिबली बोलते हैं और चिली में ट्यूनिशिया बोलते हैं। हवा सेम है, पर जब ये इन विभिन्न देशों में जाती है तो उसके अकॉर्डिंग इनके नाम बदल जाते हैं। ठीक है, खमसिन मिस्र में है, गिबली लीबिया में, चिली ट्यूनिशिया में। ठीक है, ओके। इसके बाद ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म एवं धूल भरी शुष्क हवा है। ठीक है, ब्लैक रोलर कहां पर? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद सिमूम, सिमूम ये अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ठीक है, सिमूम। हबूब ये उत्तरी सूडान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, हबूब। ठीक है, उत्तरी सूडान में। इसके बाद हरमट्टन, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। हरमट्टन ये सहारा रेगिस्तान से गिनी के तट, मतलब पश्चिमी दिशा में बहती है। सहारा रेगिस्तान से जो गिनी का तट है वो अफ्रीका की पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो ये उस तरह बहती है सहारा रेगिस्तान से, गर्म एवं शुष्क हवा है ये हरमट्टन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्रिक फिल्डर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नॉर्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्वेस्टर कहां पर है? ये उत्तरी अमेरिका, सॉरी उत्तरी न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। गर्म एवं शुष्क हवा नॉर्वेस्टर कहां पर? उत्तरी न्यूजीलैंड में। ठीक है, सांता आना, वेरी इंपॉर्टेंट, सांता आना ये कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं। सांता आना वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जोंडा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जोंडा, जोंडा अर्जेंटीना में बहती है, अर्जेंटीना व उरुग्वे में एंडीज के मैदानों में चलने वाली हवा है। ठीक है, जोंडा वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्ट्रल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मिस्ट्रल अक्सर एग्जाम में आती है। मिस्ट्रल ये रोन नदी की घाटी में बहती है। ठीक है, रोन नदी कहां पर बहती है? फ्रेंस स्पेन और फ्रांस में ये रोन नदी बहती है, तो वहीं पर ये हवा भी चलती है मिस्ट्रल। ठीक है, ठंडी है और ध्रुवीय हवा है, ठंडी हवा है ये मिस्ट्रल, याद रखिएगा, ठंडी हवा है ये, कोल्ड विंड। इसके बाद बोरा, बोरा ये जो हवा है बोरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर बहती है, इटली और यूगोस्लाविया को प्रभावित करती है, ठंडी व शुष्क हवा है, याद रखिएगा बोरा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपकी आती है ब्लिजार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लिजार्ड ये क्या है? ये पोलर विंड है, ध्रुवों से स्टार्ट होती है, तो इसमें ना बर्फ के कण होते हैं। ठीक है, बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवा कहां पर चलती है? साइबेरिया, कनाडा और यूएसए को प्रभावित करती है। ब्लिजार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब मुख्य हवाएं हैं जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, स्थानीय अपने हैं ये। पैम्पेरो वेरी इंपॉर्टेंट, पैम्पेरो ये भी जो है अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में बहने वाली ठंडी हवा है पैम्पेरो। ठीक है, इसके बाद जूरन, जूरन ये जो जूरा पर्वत है स्विट्जरलैंड में, तो वहां से चलती है ये पर्वतीय हवा है, तो जूरा पर्वत से इटली तक चलने वाली ठंडी पवने हैं जूरन। ठीक, इस तरीके से हमने स्थानीय पवने जो थी 16 नंबर्स ये कर ली हैं डिस्कस। आई होप आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा मिल जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम लोग विंड्स के बारे में सारी जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, तो अब अगले चैप्टर में हम लोग चक्रवात, साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोन क्या होते हैं, कि क्या प्रॉपर्टीज होती है, नॉर्थ जो नदर हेमिस्फीयर है उसमें कितने टाइप के साइक्लोन होते हैं, है ना, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। फिर एंटी साइक्लोन क्या होता है वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे।
ठीक है, और वर्षा कितने टाइप की होती है ये टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे होती है, कितने टाइप की होती है, और इसके बाद हम लोग इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट्स पे चले जाएंगे, एशिया महाद्वीप उसकी क्या क्या मेन मेन प्रॉपर्टीज हैं, अफ्रीका महाद्वीप इसकी मेन मेन क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो इस तरीके से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी आगे के कुछ 6-7 वीडियोस के अंदर इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है, और अभी जो है हम लोग इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं बीओ कोर्स के लिए, ठीक है, मॉडर्न भी अब करीब आधी हो गई है, और आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी 75% हमने कर लिया है ना, एनवायरमेंट भी हमारी करीब 50-60% हो चुकी है, तो कोर्स हमारा ठीक ठाक चल रहा है। अभी आज से हमारे पास अभी 2 महीने का समय है, तो आराम से हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, आप बस साथ साथ हमारे चलते रहिएगा, ठीक है, और बहुत ही जल्दी मतलब आपकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, तो जितनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं अब तक जो कवर कर ली हैं तो आप उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब हर संडे से आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बीईओ परीक्षा में देने जा रहे हैं और टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे 9620778189 नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।